बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, इसको लेकर के लगातार अटकलें लग रही हैं। और इस बीच ये खबर भी आई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार हैं। नीरज जी, एक तरफ संयोजक बनाए जाने की चर्चा और दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है कि खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने नीतीश कुमार से बात की है संयोजक पद को लेकर के। संयोजक का पद का सृजन किसने किया और ये बार बार बोलना कि संयोजक बनाया जाएगा, कोई एप्लीकेशन दिए है क्या, वो कोई वैकेंसी क्रिएट हुआ है क्या? इस तरीके का आचरण राजनीति में सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो अथवा माननीय राहुल गांधी जी हो, वो बड़े नेता है तो माननीय नीतीश कुमार जी से बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी तो सृजन करता है इंडिया गठबंधन के, और हम बार बार बोले हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक व्यवहार पेश किया जाता है कहीं ना कहीं से उससे मन के अंदर में एक टीस का भाव पैदा होता है। तो कौन एप्लीकेशन देने गया था, कहाँ एप्लीकेशन दिया था, किसने पद सृजित किया, ये इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ही राजनीति में बेमानी माना जाता है। नीतीश कुमार ने एक चिंता जताई थी अंतिम जो बैठक हुई थी दिल्ली में उसमें कि सीट शेयरिंग पे जल्द बातचीत हो। जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, सीट शेयरिंग पे क्या टेबल टॉक वाली स्थिति अब तक बन पाई है? क्योंकि नीतीश कुमार की चिंता भी आई थी और संभवतः जो जानकारी आई थी नीतीश कुमार ने कहा था कि अगली बैठक के पहले ये सब चीजें हो जानी चाहिए। कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय सार्वजनिक चिंता सीपीआई की रैली में किया था कि भाई बहुत विलंब हो रहा है, इस पर जल्द से जल्द निर्णय लीजिए। उसके बाद बैठक हुई, बैठक के बाद उसके सार्थक नतीजे अब तक तो निकल करके नहीं आए हैं। अब राज्य स्तर पर हमको नहीं जानकारी है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला क्या अद्यतन स्थिति क्या है, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि 2024 की लड़ाई अगर लड़नी है तो अब विलंब कहीं कारण कीजिए, जल्द से जल्द तमाम समस्याओं का निराकरण करिए। नीतीश कुमार के संयोजक बनने की नाम की जब चर्चा होती है तो टीएमसी ममता बनर्जी की तरफ से आपत्ति की बात आ जाती है, तो वाकई गठबंधन में आखिर चल क्या रहा है नीरज जी? अब देखिए उस संबंध में तो मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं नीतीश कुमार जी आवेदन दिए हैं क्या, कोई जनता दल को किसी नेता ने संपर्क किया है क्या, किसी ने यह कहा है कि हम उस पद के दावेदार हैं, और वह पद सृजन कैसे हुआ? जब गठबंधन है तो गठबंधन तो आम सहमति के बुनियाद पर चलता है, हमने इसकी शुरुआत की है और वह राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण फलक ले, यह हमारी अपेक्षा है। लेकिन संयोजक का पद मिलेगा, संयोजक का पद दिया जाएगा, इसका क्या औचित्य है? ये तो जानबूझ करके राजनीति में टीस पैदा करने की कोशिश होती है। चलिए, नीरज कुमार बहुत साफगोई से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया है। संयोजक के पद को लेकर के जो चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर टीस पैदा करने की कोशिश हो रही है। शशिभूषण, आज तक, पटना।